बनाने की वो भी आपको मैंने दे दी अच्छा अब एक होता है अर्पण तो दुनिया में भी लोग प्रभु अर्पणम पर प्रभु अर्पणम करते हैं कोई भी चीज भगवान के निमित्त करते हैं प्रभु अर्पणम तो पहला स्टेप हो गया अर्पण अच्छा फिर कहा जाता है कि अर्पण होने वाले को दर्पण मिलता है तो बाबा ने बता दिया कि दर्पण कौन सा है दिव्य बुद्धि हमारा हो गया दर्पण उसमें आपको दिखाई देता रहेगा दिव्य बुद्धि का अर्थ है तीसरी आँख तीसरी आँख जिसकी खुल जाए उसकी दो आंखें खुली भी रहें या बंद भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तीसरी आंख से गाइड होता है जब उसको पता लग जाए कि तो मेरे को तो तीसरी आंख मिल गई भगवान मेरा इतना बड़ा भविष्य बना रहा है तो फिर वो क्या करता है अर्पण से थोड़ा आगे बढ़ता है फिर वो हो जाता है समर्पण अच्छा समर्पण हो गया समर्पण से ऊपर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए पूरे समर्पण हो गए फिर एक है संपूर्ण समर्पण अब समर्पण और संपूर्ण समर्पण में क्या फर्क है समर्पण हम होते हैं हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि मैंने जो कुछ भी है समर्पण कर दिया और फिर हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं समर्पण करने के बाद अपना जो कुछ भी है समय साधन संपर्क उसको कैसे बाबा के कार्य में लगाएं लेकिन जो संपूर्ण समर्पण होता है उसमें फिर क्या होता है बाबा हमको हमारा लगवाता है एक हो गया मैंने अपने आप को फिर भी मैं तो रहा कि मैंने अपनी मर्जी से समर्पण कर दिया सब कुछ कर दिया अब मैं अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा ये जो मुझे करना है करूं मैं सेंटर खोलूं या ये करूं या यहाँ धन दूं या वहाँ करूं फिर भी मेरे हाथ में क्या रहता है यूज़ करने की पावर मेरे हाथ में रहती है लेकिन संपूर्ण समर्पण में क्या होता है फिर बाबा हमको करवाता है आज की मुरली में जो बाबा ने दादियों के लिए कहा है वो देखिए कि ऑटोमेटिकली अब मैं आपसे करवाऊंगा आपका सफल करवाऊंगा और जो कुछ है मेरी गाइडेंस से होगा इसको कहा जाता है सम्पूर्ण समर्पण अब हमको देखना है कि हम समर्पण हुए हैं अर्पण हुए हैं अर्पण का होता है अपनी मर्जी से जब दिल किया जितना दिल किया जब उमंग आया समय भी लगा दिया तो उसमें क्या होता है फिर बाबा क्या कहता है कि हंड्रेड परसेंट नहीं कभी कैसा कभी कैसा तो इसलिए जब भगवान ने हमें बता दिया कि अगर हम संपूर्ण होंगे तो फिर क्या होगा कि ठीक समय पर हमें अपने जो गुण हैं ज्ञान है, है शक्तियाँ हैं उनका ठीक प्रयोग ठीक मात्रा में होगा अगर नहीं तो सबको अनुभव है कभी बहुत होगा कभी साधारण होगा इसलिए सतयुग या अपने कंट्रोल वाली दुनिया उसकी विशेषता क्या है सतयुग में क्या होता है हर चीज ठीक समय पर होती है ऐसी कोई चीज नहीं सतयुग में जिसका समय जरा भी फर्क पड़े ठीक स्थान पर होती है अगर आपका समय ठीक भी है स्थान ठीक नहीं है तो भी वो पूरी सफलता नहीं होगी अच्छा फिर दोनों चीजें भी ठीक है आपका समय भी ठीक है स्थान भी ठीक है ठीक विधि से होनी चाहिए अगर विधि ठीक नहीं है तो भी ठीक नहीं होगा बाबा कह रहे हैं समय से कुछ बाद में हो गया कोई फायदा नहीं आप किसी जगह समय से पहले पहुंच गए कोई फायदा नहीं जिसको बाबा ने दो शब्दों में कहा तेरा हूं लेकिन तू मेरा है लेकिन जो हूँ और जैसा हूँ आज की जो गीता है द्वापर युग वाली उसमें भी लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है मैं जो हूँ जितना हूँ अब देखिए जितना वर्ड कितना सोच के लिखा गया है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ मैं जो हूँ जितना हूँ उस रूप से मुझे याद करोगे तो मेरे से मिलोगे और जितना अगर कोई समझ जाए जितना मैंने बिंदी होता है तो दुनिया वाले की समझ में आएगा लेकिन लिखा हुआ है इसी प्रकार से मोटे रूप से आप ये समझ लें हमने किसी को फोन करना है ठीक है सारे नंबर ठीक है एक नंबर गलत है चलो लास्ट नंबर ही गलत है बीच वाले तक तो तसली रहती है नंबर ठीक लग रहा है आपका लगेगा नंबर है आप लगाएंगे हॉस्पिटल का लग जाएगा फायर ब्रिगेड का वो कहेगा क्या है क्या है अच्छा तो तो हम कहेंगे भी इतने नंबर तो हमारे ठीक लग गए कुछ तो नंबर मिले मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे ही लाटरी का भी होता है अब लाटरी में जब नंबर अनाउंस होते हैं तो जितना जितना किसी का नंबर मिलता जाता उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि बस अब तो आया अब तो आया अब तो आया लेकिन अगर लास्ट में नंबर में जाके फ़र्क पड़ जाए तो बाकी नंबरों का फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसे ही सांप और सीढ़ी का लूडो भी होता है सीढ़ी चढ़ते गए बढ़ते गए आगे बढ़ लास्ट में एक सांप होता है और वो उसकी पूछ बिल्कुल नीचे तक आती है तो सब उससे डरते हैं अब वो हर एक के साथ उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती कि हर एक को वो पकड़ेगा क्रॉस करने वाले भी होते पर दिल धड़कता है क्यों धड़कता है कि संपूर्ण समर्पण में थोड़ी कमी है इसलिए बाबा कहता है सबसे लक्की वो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर में रहें यह समर्पण दिल का है तो संपूर्ण समर्पण बाबा के हो जाए इससे बड़ा क्या है तो आपके सारे नंबर पक्के ऑटोमेटिकली किस समय मुझे क्या करना है जैसे किसी पावरफुल के आगे शक्तियां हाजिर रहती है ना जो पावरफुल होता है उसके आने से पहले ही उसके सारे कर्मचारी अपनी अपनी जगह स्थित होकर लाइन में लग के सांस रोक के खड़े रहते हैं और रिस्पेक्टफुली खड़े रहते हैं आज की दुनिया में भी जे ड्यूटी समझ के ही करते हैं पर रहते तो हैं लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाए तो बाबा ने दादियों को क्या कहा देखो आपको ऑटोमेटिक प्रेरणा आएगी आपको ऑटोमेटिकली मंगोसा बढ़ाने का आएगा नई चीज़ करने होता था ना दादी जी कहते थे अब ये प्रोग्राम करो अब एक लाख का करो अब मेगा प्रोग्राम करो तो करवाते गए करवाते गए थोड़े देर बाद आपे ही विधि चेंज करवाते थे तो एक तो ये है हमारी विधि कितने समय बाद चेंज होती है जिसको हम परिवर्तन कहते हैं आज बाबा ने ये भी कहा है ना समय कितना लगा आपको तो क्या हमारा कोई व्यक्ति कहे कि दस साल से मैं एक ही क्लास में बैठा हूँ है ना हम शास्त्र वालों को यही तो कहते हैं कि भाई आपकी बुक क्यों नहीं बदलती एक शास्त्र है आप जन्म जन्म से पढ़ते आ रहे हो आपकी बुक क्यों नहीं बदलती आप पास ही नहीं होते हमारी मुरली रोज बदल जाती है इसी प्रकार से सुबह से शाम तक हमारे में प्रोग्रेस आई तो वो बाबा कहता है वो तब आएगी अगर हम अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे तो फिर बाबा कहता है जिसको कहते ना छतर छाया अब गीता में क्या लिखा हुआ के समर्पण के लिए क्या लिखा है देह और देह के सब संबंधों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ अच्छा शरण के अर्थ क्या होता है कई लोग समझते जैसे रिफ्यूजी होते हैं ना मेरे चरणों में आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा थोड़ा अरेंज कर दूंगा नहीं भगवान कहता है मेरी शरण का मतलब क्या है कि मेरी प्रोटेक्शन में मेरी गाइडेंस में मेरी छाया में आ जाओ बस और कुछ नहीं देखो तो फिर आपको उसकी छाया से बड़ी तो होती नहीं किसी की तो फिर आपको चाहे प्रकृति आए चाहे माया आए है ना बाबा कहते हैं माया भी नए नए रंग लग, जिस जि, जितना तक हम माया को समझ चुके हैं माया को भी पता लग गया कि ये इम्तिहान ये पास कर चुके हैं पर ये नहीं समझे हम कि बस हमारा इम्तिहान पास हो गया आगे से आगे पेपर ही पेपर हैं और खुश होकर पेपर देना चाहिए कौन देगा जिसको पता है कि मेरा गाइड वो है जिसने कईयों को पेपर आता होता है वक़्त पे नहीं आता बाद में आता है जैसे बाबा ने आज कहा पश्चाताप के लिए भी लोग क्या कहते हैं अगर हमने किसी चीज़ को ठीक समय पे नहीं किया ठीक विधि से नहीं किया ठीक स्थान पे नहीं किया तो फिर बाद में कहते हैं ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता तो ये क्षमता जितनी जितनी बाबा ने कहा सारे बी के उसको सारे खजाने हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खजाना ना हो लेकिन उन खजानों का होते हुए भी आपके पास खजाने बहुत हैं आप यूज़ नहीं कर रहे तो जिसके पास कह कह मेरा पैसा तो है पर एफडी में पड़ा है केले वाले को कहे मेरे पास बहुत पैसे हैं पर एफडी में पड़े हैं वो कहेगा मुझे तो केले लेने हैं तो कैश दे नहीं तो तेरी एफडी बहुत लोग कहते हैं तो इसलिए भगवान कहते है कि कैश होना चाहिए तो अर्थात उसकी उपयोगिता होनी चाहिए बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते रहें और बुद्धि में रहें फिर उसके लेने वाला उस वक़्त है नहीं इसलिए सोचना तो बाबा कहते पहले तो ये सोचना चाहिए कि मुझे सोचना है कि नहीं सोचना सोचता कौन है आप बताइए सोचता कौन है? है जिसको डाउट होता है जिसको संशय होता है वो सोचता है है ना आपने अपने घर जाना हो कहीं से आप सोचते हैं भी कौन से रास्ते से जाना है? दूसरे के घर जाना आपको कोई गूगल का मैप भी हाथ में दे दे कि बाएं मुड़ना है दाएं मुड़ना है इतने कदम बाद जाना है तो भी आप रुक रुक के जाएंगे तो सोचना अर्थात अभी मैं समर्पण हूँ संपूर्ण समर्पण नहीं हूँ और जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को बाप कहता है बच्चा होता है बच्चा सोचता है क्या पिताजी कहते हैं ऐसे चल ऐसे चल अगर हम पिताजी के कहने के बाद सोचते हैं बाबा ने तो कहा है पर तो बाबा क्या है कि हम बच्चे नहीं हैं तो बाबा कहते हैं हम बड़े बन गए बड़े मैंने किसी न किसी चीज़ में अपना कुछ मैंपन ले आए तो फिर सोचना पड़ेगा तो बाबा कहता है दो चार दिन पहले बहुत अच्छी मुरली थी कि छोटा बच्चा जो होता है उसको कोई भी कुछ भी तंग तुंग करे वो बस माता पिता की गोद में जाके समझता है मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ उसको और कुछ नहीं करना इसलिए बाबा कहता है एक तो बच्चे बनना बड़ा इम्पॉर्टेंट है हम सब बाबा के बच्चे हैं जो ही बड़े बनेंगे हैं बड़े बड़े कहना सदा सुखी रहना बड़े कहावना हाँ बस ये बात है इसलिए सबने आज की मुरली सुनी है उसका समर्पण से बहुत कनेक्शन है और समर्पण भी संपूर्ण समर्पण क्या मैं अपनी मर्जी के बाबा के आगे अर्पण करता हूँ या बाबा की मर्जी से मैं चलता हूँ तो जो है ना हुक्मी हुक्म चलाए रहा मम्मा कहती थी ना वो चला रहा है हम चल रहे हैं गीत भी बहुत अच्छा बना हुआ चलाने वाला चला रहा है कराने वाला करा रहा है करण हार हम किए जा रहे हैं ओम शांति ओम शांति आदरणीय भाई सब का बहुत बहुत धन्यवाद और वो कराने वाला जो सब कुछ करा रहा है हमारा जीवन बना रहा है आज का दिन भी उसी को समर्पित है कुमारियाँ भी उन्हीं को समर्पित हैं तो इसलिए अभी हम ऐसे बाबा को सभी बहुत प्यार से मिल कर के भोग स्वीकार कराएंगे तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच में जो हमारी आमंत्रित बड़ी दीदियाँ हैं और जो समर्पण होने वाली बहनें हैं आप सभी कृपया मंच पर आएँ